आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहां पर ईमेल आईडी में आते हैं तो यहां पर गाइस जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है आपकी। यहां पर आपको ऐसा दिखाई देता है, तो कैसे आपको यहां पर स्पेस फ्री करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोलता है अकाउंट स्टोरेज इज़ फुल, यू माइट नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, टू कंटिन्यू यूजिंग जीमेल क्लीन अप स्पेस और गेट मोर स्टोरेज। यहाँ पर आपको क्लीन करने के लिए बोलता है। तो गाइज इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दो काम करने होंगे, या तो आपको अपना जो स्टोरेज है वो आपको फ्री करना होगा या फिर आपको परचेज करना पड़ेगा स्टोरेज। तो यहाँ पर मैं आपको परचेज करने का नहीं बताऊँगा बल्कि आपको क्लीन अप कैसे करना है बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाई देगी, जो भी ईमेल आईडी में स्टोरेज फुल दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर स्टोरेज में आ जाना है, स्टोरेज यूज्ड। जैसे उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफर भी आ जाएगा और यहाँ पर क्लीन अप स्पेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्लू कलर में, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फुल दिखाई देगा ये, और यहाँ पर आपको बोलेगा इतना खाली है 16%, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर स्टोरेज फ्री है। तो यहाँ पर आपको फुल दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा, यहाँ पर आपको 3 से 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, स्पैम ईमेल्स, ईमेल विद अ लार्ज डेटा अटैचमेंट, फिर लार्ज फाइल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और एक ऑप्शन रहता है गाइस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसमें भी ज़्यादा MB है, ज़्यादा GB है, तो आपको इसे यहाँ पर देखना है एक से। तो यहाँ पर मैं अभी स्पैम ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है शोइंग 15, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देंगे। और आपको अगर डिलीट करना है फिर यहाँ पर आपको डिलीट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड कर लेना है, फिर परमानेंट डिलीट कर लेना है, जिससे यहाँ पर जितने भी MB बताएगा, GB बताएगा वो खाली हो जाएगा। इसके बाद बैक आ जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड में आना है, ईमेल विद अ लार्ज अटैचमेंट रिव्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं शोइंग 32, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अटैचमेंट जो रहते हैं PDF वगैरह जो आप सेंड करते हैं या फिर रिसीव होता है, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और डिलीट कर लेना है अगर इम्पोर्टेंट नहीं आएगा तो। फिर यहाँ पर लार्ज फाइल 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट में लार्ज फाइल्स, इसके ऊपर रिव्यू करना है। जैसे रिव्यू करेंगे तो यहाँ पर मीडिया, जितने भी मीडिया है गूगल ड्राइव में वो आपको शो दिखाई देगा। तो यहाँ पर गाइस ये दो तरीके से भी होता है, एक तो व्हाट्सएप के ज़रिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है गूगल ड्राइव में, या फिर आप भी करते हैं। तो अगर जो भी काम का नहीं है वो आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये बहुत मेन होता है गाइस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर जो मेमोरी खाता है ये गूगल ड्राइव ही खाता है गाइस, व्हाट्सएप के ज़रिए ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है वो, वीडियो के साथ बैकअप हो जाता है वो, इसकी वजह से यहाँ पर स्टोरेज फुल हो जाता है। तो ऐसा करके आप खाली कर सकते हैं इजीली, जिससे आपकी मेमोरी जैसे फ्री हो जाएगी और आप सेंड और रिसीव कर पाएंगे ईमेल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।